मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और मुहर भी लगाई गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि कैबिनेट मंत्री परिषद की बैठक में गुरु घासीदास तमोल पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन का विकास होगा, साथ ही कोर और बफर क्षेत्र में स्थित ग्रामीणों के लिए गाइड, पर्यटक वाहन और रिजॉर्ट संचालन के साथ ही रोजगार भी मिलेंगे। टाइगर रिजर्व में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी से अतिरिक्त बजट प्राप्त होगा, जिससे क्षेत्र के गांवों में आजीविका विकास के नए नए कार्य किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा हुई और एक निर्णय लिया गया। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने के संबंध में निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अनुशंसा और भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सहमति के अनुसार मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 2,829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। इसके गठन के आगे की कार्यवाही करने के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अधिकृत किया गया है। टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में एक तरफ जहां इको पर्यटन का विकास होगा, साथ ही कोर और बफर क्षेत्र में जो स्थित ग्रामीण जन है उनके लिए गाइड, पर्यटक वाहन संचालन, रिसोर्ट संचालन के साथ ही विभिन्न प्रकार के रोजगारों का सृजन होगा। टाइगर रिजर्व में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी से अतिरिक्त बजट प्राप्त होगा, जिससे क्षेत्र के गांवों में आजीविका विकास के नए नए कार्यक्रम किए जा सकेंगे।